रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। देखो, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल को मैं कैसे इंटरप्रेट करता हूँ, और लिखते हुए देखो अलग है, लेकिन इंटरप्रिटेशन देखो कैसे होनी चाहिए ये मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, ठीक, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो ये मिरर ले लेते हैं, ये आपका एक प्लेन मिरर पड़ा हुआ है, ठीक। इस मिरर पे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो हम ये पढ़ते हैं ना कि रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बात खत्म हो जाती है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइगन्स ने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, वेव फ्रंट का। तो इमेजिन करो एक वेव फ्रंट आया, ये रहा आने वाला वेव फ्रंट, ठीक, या ऐसे लेते हैं ये रहा आपका आने वाला वेव फ्रंट जो इसे क्या करेगा, टक्कर मारेगा। इससे पहले वेव फ्रंट कैसे था, इससे पहले कुछ ऐसे था, ये रेज ऑफ लाइट बना रहा हूं मैं, रे आई लाइट की ऐसे, ठीक, रेज ही रेज हैं वैसे तो, पर मैंने तीन बना ली बीच में रेज, कितना कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो जाएगा। तो तीन, दो कॉर्नर की बना ली, एक मिड पॉइंट बना लिया। तो एक्चुअल में मैं रेज यूज कर रहा हूं, और अगर वेव फ्रंट की बात करती हो तो वेव फ्रंट ऐसे, इससे पहले वाला वेव फ्रंट कुछ ऐसे होगा, इससे पहले वाला वेव फ्रंट कुछ ऐसे होगा, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा था, एक प्लेन वेव फ्रंट है। इस डायग्राम को कई लोग समझते हैं कि क्या ये लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा डायग्राम ऐसा है, ये एक वेव, एक प्लेन मिरर है, ये पेज एक वेव फ्रंट है। तो इमेजिन करें एक वेव फ्रंट आ रहा है, ये टक्कर मारेगा एक मिरर की सरफेस, टक्कर मारेगा। अब प्रॉब्लम है कि इससे पहले जब टक्कर नहीं लगी थी, रिफ्लेक्शन नहीं हुई थी, इसने टच नहीं किया था, हवा में प्लेन वेव फ्रंट सीधा चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8, पहला वेव फ्रंट, इसने दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया और टक्कर हो गई। अब जैसे इसकी यहाँ इसने इसको टच किया, तो क्योंकि एक्चुअल डायग्राम तो ऐसा चल रहा है, पर मैं आपको सिर्फ ये लाइन दिखा रहा हूँ बस, है ना, एक्चुअल में तो पूरा पेज है, पूरा प्लेन वेव फ्रंट है, पर आपको एक लाइन दिखा रहा हूँ कि ये वेव फ्रंट है, पेज के पीछे चल रहा है। तो यहाँ पर रेज आ रही हैं। अब देखो हुआ क्या, इसमें इसने इसको रिफ्लेक्ट किया, तो ये जो सोर्स है, क्योंकि ना हर वेव फ्रंट पे सोर्स बनेगा, ये आखिरी सोर्स है इसका, ये सोर्स आगे की तरफ क्या भेजेगा, वेवलेट भेजेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये डिस्टर्बेंस को आगे भेजेगा ऐसे, तो इसके वेवलेट आगे ट्रेवल करना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन तो हो गई। लेकिन जो ये वाली डिस्टर्बेंस है, या ये जो वेवलेट्स हैं, वो जब तक इसको टक्कर नहीं मारेंगे तब तक इसकी रिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब ये इधर ट्रेवल कर रहा है और ये इधर ट्रेवल कर रहा है, और अब बात करते हैं आखिरी वाले की, आखिरी वाला अभी भी सीधा ट्रेवल करता जा रहा है। अब जब तक इसकी टक्कर नहीं होगी यहां पे, है ना, रिफ्लेक्शन नहीं होगी, तब तक ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा इस तरीके से, ठीक हो गया यहां तक। अब देखो ना इसमें कितनी डिस्टर्बेंस, कितनी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हुई मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं यहां पर ये सोर्स लूं, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तक तो क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने वेवलेट प्रोड्यूस किया, इसने भी वेवलेट प्रोड्यूस किया, मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, वेव फ्रंट बन गया। फिर यहां पर नया सोर्स आ गया, नए सोर्स ने वेवलेट किया, मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, वेव फ्रंट आ गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये जो रेड लाइन है, ये वाली लाइन है, इसकी इसने मिरर को टच कर लिया। अब ये जो वेवलेट है ये ऐसे जाएगा, ये डिस्टर्बेंस ऐसे जाएगी, लेकिन ये डिस्टर्बेंस अभी भी ऐसी जा रही है, क्योंकि इसको तो अभी रिफ्लेक्शन नहीं हुई, हवा में अपने आप कैसे बेंड हो जाएगी, ये तो होगा नहीं। लाइट का ये वाला पार्ट कहेगा, अच्छा तूने टक्कर मार दी, मैं भी हवा में चल पड़ती हूं, ये थोड़ी ना होगा, इसको तो स्ट्रेट ही जाना है। अब ये पहले मुड़ गया, ये वेवलेट्स इधर जाके टक्कर खा के फिर इधर जाएंगे, और उतनी देर में ये अभी नीचे आते जा रहे हैं। यहां पर मिसमैनेजमेंट हो गई, देख रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है आपस में। लेकिन हाँ, ये बात भी ट्रू है कि लाइट के रिफ्लेक्शन तो होती है, और अगर रिफ्लेक्शन होती है, लाइट पूरी की तरह पूरी जब यहां पर रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, तो जाएगा तो और वेव फ्रंट तो प्लेन वेव फ्रंट ही जाएगा, प्लेन आया था प्लेन जाएगा, ऐसा ही होगा। प्रॉब्लम यह है, यहां से यहां वेव फ्रंट बनाना मेरे लिए आसान था, नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाना भी आसान था, अब इसके बाद का वेव फ्रंट क्या बनेगा ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाइगन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी, कैसे दी ये देखो। तो हाइगन ने ये कहा कि सपोज करो आपके पास ये एक वेव फ्रंट है, ये आखिरी वेव फ्रंट है, जो इससे पहले वेव फ्रंट तो हवा में पैरेलली चल रहा है, प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, लेकिन ये आखिरी वेव फ्रंट है जो मिरर के कॉन्टैक्ट में आ गया, बस अब इसकी क्या होने वाली है, रिफ्लेक्शन।
तो हाइगन ने इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाया नहीं, उसने रेज के साथ ही समझा दिया क्योंकि अदरवाइज डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा था। तो उसने ये ज्यूम किया कि वेव फ्रंट में इसकी क्योंकि रिफ्लेक्शन पहले हो गई तो इसने तो यहाँ चलना स्टार्ट कर दिया, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट ने यहाँ चलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब तक ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक अगला वेव फ्रंट तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि एक वेव फ्रंट से जब दूसरा वेव फ्रंट तैयार होता है तो सभी वेवलेट्स को इकट्ठा होना है, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट तब ड्रॉ करेंगे जब इकट्ठे चलेंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा, नहीं हो पाएगा, राइट। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सबको इकट्ठा ही चलना पड़ेगा। इसका मतलब जो नया वेव फ्रंट है वो इसके इमीडिएटली बाद नहीं बनने वाला, वो कब बनेगा, वो तब बनेगा जब तक ये वाला, ये वाली लाइट इसको टच नहीं करती, नया वेव फ्रंट नहीं तैयार हो सकता, क्योंकि लाइट का पूरी तरह रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। ये नहीं है कि कुछ पार्ट पहले कर गया कुछ बाद में कर गया तो वेव फ्रंट ड्रॉ कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, फिर तो प्लेन वेव फ्रंट, मतलब गया प्लेन था आया प्लेन नहीं, ये कैसे होगा, जाएगा प्लेन तो आएगा भी प्लेन ही। तो यानी कि यहां से यहां तक बीच में कोई वेव फ्रंट नहीं तैयार हो रहा। तो कैसे तैयार होगा, तो रूल ये बना कि जब तक ये इसे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, नया वेव फ्रंट नहीं बनेगा। जैसे ही इसने इसको टच किया, वेव फ्रंट का स्टार्टिंग पॉइंट ये बनेगा, वेव फ्रंट का स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, क्योंकि जैसे ही इसकी रिफ्लेक्शन होगी उसी टाइम नया वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो लाइट है वो तो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुकी है, ठीक है, इसी की वेट हो रही थी। तो चलो स्टार्टिंग पॉइंट पता लग गया वेव फ्रंट का। अब क्या हुआ, जितनी देर में ये अब स्टार्ट होगा उतनी देर में ये वाली लाइट कहां पहुंच गई, उतनी देर में तो ये यहां कहीं रास्ते में होगी, है ना, जितनी देर में ये पहुंचेगा उतनी देर में तो यहां कहीं रास्ते में होगा, कहीं मुझे पता नहीं कहां होगा पर कहीं तो रास्ते में होगा। अब हाइगन ने कहा देखो एक बात है, ये यहां से लाइट आती है और कितने समय में आती है, इमेजिन करो टी टाइम में आती है। तो हाइगन ने कहा ये वाली लाइट यहां से यहां कितने समय में आती है, टी टाइम में आती है, और जो स्पीड है लाइट की वैक्यूम में एयर में वो कितनी है, वो सी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया इसने, सी टी, जो टोटल डिस्टेंस है वो सी टी ट्रेवल हो गया, डिस्टेंस स्पीड इन टू टाइम। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया कितना, सी टी। अब इसने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, क्योंकि इसने अगर टी टाइम लिया यहां से यहां आने में तो उतनी देर में टी टाइम में ये वेव यहां से यहां पहुंच गई होगी या ये लाइट यहां से यहां पहुंच गई होगी, और डिस्टेंस कितना है, इसने भी सीटी ट्रेवल किया। तो हाइगन ने कहा एक कंपास लो, प्रकार लो कंपास, ये रखो एक आर्क काटो सीटी का, क्योंकि पता है कि सीटी डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका, उसने एक आर्क काट दिया। इसको उसने ट्रीट किया एक वेवलेट है, देखो ना उसने ट्रीट किया एक वेवलेट होगा, गोल बनेगा वेवलेट, और स्टार्टिंग पॉइंट वेव फ्रंट का पता था, वो कहता ड्रॉ अ टेंजेंट, ये उसने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये क्या बना, अगर ये मेरा कौन सा वेव फ्रंट था, प्राइमरी वेव फ्रंट है, तो ये क्या बनेगा, मेरा सेकेंडरी वेव फ्रंट है, इसके बीच में कोई वेव फ्रंट तैयार नहीं होगा। तो रिफ्लेक्शन के दौरान उसने पूरा प्रूव करके दिखाया कि कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी वेव फ्रंट तैयार हुआ, क्लियर है। जबकि एनिमेशन जो वीडियो चल रहा था उसमें बेंडिंग का भी एक्सप्लेन किया कि लाइट बेंड क्यों जाती है और वेव फ्रंट गोल क्यों जाता है कॉर्नर से, उसने वो भी आंसर दिया, पावरफुल थ्योरी बोला उसने, जबरदस्त थ्योरी है, देखो पूरा एक्सप्लेन कर रही है। और प्लस उसने ये भी किया कि रिफ्लेक्शन के टाइम पे यहां से यहां इमीडिएट वेव फ्रंट क्यों नहीं तैयार होता, वेव फ्रंट यहां तैयार होगा क्योंकि बीच में क्या थ्योरी चलती है उसने बताया। यहां तक क्लियर है, तो ये आपका वेव फ्रंट है। अब देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर ये जो नॉर्मल, इमेजिन करो ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, तो ये रे है या लाइट है, लाइट ने नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनाया, आई। अगर ये आई है तो ये जो लाइट है और ये जो वेव फ्रंट है, अभी क्या सीखा था, इनके बीच में एंगल हमेशा क्या होगा, 90, ये सीखा था, ये एंगल क्या होगा, 90। तो अगर ये आई है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस आई। अब ये नॉर्मल इसके साथ एंगल क्या बना रहा है, 90, तो अगर ये 90 माइनस आई है तो बचा हुआ एंगल क्या है, आई, ठीक हो गया। तो ये ज्योमेट्री हमने लगा ली और ज्योमेट्री से ये सीखा कि अगर ये आई तो ये अंदर वाला एंगल भी एग्जैक्टली आई। उसी तरीके से यहां पे चलते हैं, ये डायग्राम सही नहीं बना, नॉर्मल सीधा बनाओ, आपकी बुक में सही बना हुआ है, खैर आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये मान लो नॉर्मल है,
नॉर्मल के साथ जाती हुई लाइट ने एंगल क्या बनाया, आर। तो ये वेव फ्रंट और लाइट 90 डिग्री पे है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस आर। नॉर्मल और ये 90 डिग्री पे है, तो अगर ये 90 माइनस आर है तो ये कितना है, ये आर है। ठीक, तो बाई ज्योमेट्री उसने क्या प्रूव किया, अगर ये आए तो ये आर है। अब उसने सिंपली एक काम किया कि इन ऑब्वियसली ये यहाँ से यहाँ आएगी तो वेव फ्रंट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसने इसको ज्वाइन किया, आर्क मारा, ये वेव फ्रंट हो गया। उतनी देर में बीच वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे पहुँच गई। अब देखो ना, उसके बाद का वेव फ्रंट बिल्कुल पैरेलल तैयार होने वाला है, तो आया भी पैरेलल था और जाएगा भी पैरेलल, इसके बीच में कोई वेव फ्रंट तैयार नहीं होगा। अब इसके अंदर अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को देखें, एक ये वाला ट्राइंगल है और दूसरा ये वाला ट्राइंगल है, ये रहा। तो ये एंगल कितना है, 90। ये एंगल कितना है, 90। ये डिस्टेंस कितना है, CT। ये डिस्टेंस कितना है, CT। और ये साइड कॉमन है, बन गया सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ। मेन काम था डायग्राम समझना, कॉन्सेप्ट समझना। तो समझ में आ रहा है यहां तक कैसे होगा। तो इसके अंदर आप चेक करो, यही थ्योरी लिखी हुई है, दो ट्राइंगल्स ले लिए, 90 डिग्री कॉमन, सी इन टू टी। तो सिमिलरिटी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है, हाइगन प्रिंसिपल से कैसे प्रूव करना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।